हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के बीएड स्पेशल एजुकेशन के उसके बारे में जानकारी दूंगा। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि MBA, BEd स्पेशल, BEd ODL, MCA आदि कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आ रखा है। यहाँ पे जो एडमिशन है वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा। तो यहाँ पे आपको बीएड ओडीएल कोर्स के बारे में, बीएड स्पेशल एजुकेशन जो कोर्स होता है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, बीएड स्पेशल कोर्स। और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, MBA, बीएड ODL, बीएड स्पेशल, MCA और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बीएड स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये प्रोस्पेक्टस है, बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोस्पेक्टस 2022-23 उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, बीएड स्पेशल एजुकेशन एडमिशन इंफॉर्मेशन ब्रोशर, बीएड विशिष्ट शिक्षा प्रवेश सूचना विवरण का सत्र 2022-23। यहाँ पे मैं आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है इसके बारे में जानकारी दूंगा। इसकी प्रस्तावना है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन, जो स्पेशल एजुकेशन है उसकी आवश्यकता क्यों होती है, ये वेबसाइट पे कर पढ़ सकते हैं ये कोर्स। और दिव्यांगजन पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में करियर के जो अवसर हैं इसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों के आधार पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय भारतीय पुनर्वास परिषद RCI को दिव्यांगजनों को पुनर्वास तथा शिक्षा के लिए अपेक्षित पुनर्वास व्यवसायियों और विशेष शिक्षकों का विकास करने की नीति एवं कार्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार RTE अधिनियम 2010 तथा इसमें 2012 में हुए संशोधन में दिव्यांग बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए शिक्षक एवं छात्रों का न्यूनतम अनुपात 1:30 रखा गया है। दिव्यांगजन पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यवसायों की मांग तथा पूर्ति में बहुत बड़ा अंतर है। पुनर्वास व्यवसायियों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब UGC और RCI उच्चतर शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशिक्षित व्यवसायों की सेवाएं जिला मुख्यालय स्तर तक सीमित होती हैं, यद्यपि ब्लॉक तथा उपमंडल स्तर पर पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा सेवाएं सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है। प्रशिक्षित व्यवसायियों की कमी के कारण सरकार पुनर्वास व्यवसायियों को प्रशिक्षण देने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पे है पुनर्वास व्यवसायों की श्रेणियाँ। वर्तमान प्रकार के दिव्यांगजनों की सेवा हेतु RCI ने पुनर्वास व्यवसायियों को विभिन्न क्षेत्रों में श्रेणीकृत किया है जो निम्नानुसार हैं, ऑडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, स्पीच एवं हियरिंग टेक्नीशियन, हियरिंग एड एवं ईयर मोल्ड टेक्नीशियन, दिव्यांगजन शिक्षा तथा प्रशिक्षण हेतु विशेष शिक्षक, पुनर्वास सलाहकार, प्रशासक, व्यावसायिक परामर्शदाता, रोजगार अधिकारी एवं तैनाती अधिकारी, पुनर्वास सामाजिक कार्यकर्ता, बहुउद्देशीय पुनर्वास थेरापिस्ट, टेक्नीशियन, समुदाय आधारित पुनर्वास व्यवसायी, नैदानिक मनोवैज्ञानिक पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक मानसिक अवमंदन पुनर्वास प्रैक्टिशनर, ओरिएंटेशन एवं मोबिलिटी विशेषज्ञ, पुनर्वास इंजीनियर तथा टेक्नीशियन, प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स पुनर्वास कार्यशाला प्रबंधक, पाठ्यक्रम विन्यास कोर्स फ्रेमवर्क बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम 80 क्रेडिट का है तथा कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष 6 माह व अधिकतम अवधि 5 वर्ष है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में केवल अधिगम अक्षमता, मानसिक विकलांगता से संबंधित विशिष्टताओं में ही बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कर रहा है।
बीएड विशिष्ट शिक्षा में कुल 500 सीटें आवंटित हैं। बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम की पाठ्य संरचना को 5 सेमेस्टर में बांटा गया है। कार्यक्रम की संरचना निम्नानुसार है। यहाँ पे इसमें जो कोर्स में पढ़ाया जाएगा, सेमेस्टर वन, सेमेस्टर सेकेंड, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर, इसकी इंफॉर्मेशन है। सेमेस्टर फिफ्थ, ये सभी इसमें पढ़ाया जाएगा। बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम प्रवेश नियम, प्रवेश के जो नियम है ये मैं बता रहा हूँ आपको। विश्वविद्यालय के मॉडल स्टडी सेंटर हल्द्वानी एवं विश्वविद्यालय परिसर देहरादून में बीएड स्पेशल एजुकेशन आईडी, बीएड स्पेशल एजुकेशन एलडी, बीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई एवं बीएड स्पेशल एजुकेशन बीआई पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। पहला है प्रवेश पात्रता। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता निम्नवत है। फर्स्ट है, अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा में से किसी एक में न्यूनतम 50%, 50% अंकों के साथ एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 45% उपाधि प्राप्त की हो, अथवा निम्न में से किसी एक या अधिक की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी भी प्रवेश के लिए अर्हे होंगे। ए, विकलांग बच्चे के माता पिता हों, या बी, स्वयं विकलांग हों, या सी, आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा डिग्री प्राप्त किया हो। सेकंड है, बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्हे होंगे जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंगराकित 2 विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए हों, अथवा अंगराकित विषयों में से एक विषय स्नातक पर तथा एक विषय इंटर स्तर पर लिए हों। हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य, परंतु सेकंड ए की दशा में अर्य अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि उन्हें प्रवेश साक्षात्कार के समय सक्षम अधिकृत अधिकारी अर्थात उत्तराखंड के किसी जिले के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ उनके बच्चे का 40% या उससे अधिक की विकलांगता प्रमाण का प्रमाण पत्र, सेकंड बी की दशा में सक्षम अधिकृत अधिकारी अर्थात उत्तराखंड के किसी जिले के जिला मुख्य शिक्षा चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ स्वयं का 40% या उससे अधिक की विकलांगता का प्रमाण पत्र तथा सेकंड सी की दशा में आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा डिग्री कोर्स के प्रमाण पत्र अंक पत्र के साथ आरसीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। नोट है यहाँ पे, अर्हता दिनांक 1/4/2019 को पूर्ण होनी चाहिए एवं इस हेतु अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। सेकंड है, विकलांगता की स्थिति में विकलांग बच्चे के माता या पिता होने की स्थिति में बच्चे के से अभ्यर्थी के संबंध का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। थर्ड है, उत्तराखंड के अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ही उत्तराखंड शासन के अनुसार आरक्षण प्राप्त होगा। अन्य प्रदेशों के अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश अनारक्षित के अंतर्गत दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसमें जो प्रवेश प्रक्रिया है इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये सभी डिटेल्स वेबसाइट पे देख सकते हैं। प्रवेश आवेदन पत्र जो है ये uu.ac.in पे जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा शुल्क एवं कार्यक्रम शुल्क। बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा शुल्क सामान्य व अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1000 एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 500 है। अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा के इस शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ट्रांसफर से ही करना होगा। तो महत्वपूर्ण तिथियां इसमें दे दी रखी हैं। बीएड विशिष्ट शिक्षा प्रवेश परीक्षा निम्न शहरों में आयोजित होगी, हल्द्वानी, रानीखेत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, रुड़की, पौड़ी, उत्तरकाशी। नोट, अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्रों में परिवर्तन संभव है। बीएड विशिष्ट शिक्षा प्रवेश परीक्षा की विषय वस्तु 2 खंडों में विभाजित होगी। प्रथम खंड में सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी 50% अधिभार तथा सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस 50% अधिभार। प्रथम खंड में आगमन व निगमन तर्क योग्यता, समस्या समाधान योग्यता, शाब्दिक व आंकिक योग्यता एवं प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित सामान्य जानकारी इतिहास, विज्ञान, राजनीति, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, समाज, अर्थशास्त्र, व्यापार, भूगोल, पर्यावरण आदि क्षेत्रों की
से संबंधित प्रश्न होंगे। द्वितीय खंड में विकलांग बच्चों के मनोविज्ञान एवं समस्याओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम इन साइकोलॉजी ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन, 40% अधिभार और दो विषयों में अवबोध, अंडरस्टैंडिंग इन टू टीचिंग सब्जेक्ट, 23% अधिभार प्रत्येक विषय में। द्वितीय खंड में विकलांग बच्चों को मनोविज्ञान एवं उनकी समस्याओं से संबंधित प्रश्न तथा दो शिक्षण विषय हिंदी, गणित विज्ञान, अंग्रेजी व सामाजिक विज्ञान के ज्ञान व अवबोध का मापन करने वाले प्रश्न सम्मिलित होंगे। प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू प्रकार के 50-50 प्रश्न होंगे। प्रवेश परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व 10:30 AM अपनी सीट ग्रहण कर लेनी होगी। प्रवेश परीक्षा आरंभ होने के 10:30 AM पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश परीक्षा के दोनों खंडों के लिए एक उत्तर पत्रक OMR उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर इंगित करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के क्रमांक के आगे 4 गोले जिनमें क्रमशः ABC व D अक्षर मुद्रित होगा दिए गए होंगे। प्रत्येक प्रश्न को पढ़ने के उपरांत अभ्यर्थी को सही उत्तर का चयन करना होगा तथा उत्तर पत्र पर संबंधित अक्षर वाले गोले को बॉल पेन से पूरा काला करना होगा। प्रवेश परीक्षा उत्तर पत्रक OMR भरने के लिए अभ्यर्थी अपने साथ काला नीला बॉल पेन लाएं। दोनों खंडों में सम्मिलित किए जाने वाले प्रश्नों के नमूने निम्नलिखित हैं, तो मॉडल क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। प्रथम खंड के जिसमें रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है। द्वितीय खंड में जो मानसिक योग्यता से संबंधित क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति की IQ कितनी होती है, ये सभी जो क्वेश्चन है इसकी जानकारी है। तो यहाँ पे परामर्श साक्षात्कार है, काउंसलिंग, प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों का परामर्श साक्षात्कार उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में निर्धारित तिथि के अनुसार होगा। और ये साक्षात्कार के लिए जो इसमें फीस है वो जमा करनी होगी, पहले सेमेस्टर में 10,650 फीस। पाठ्यक्रम शुल्क दे रखा है यहाँ पे, BEd विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम शुल्क 8,000 मात्र प्रति सेमेस्टर है, तो एक सेमेस्टर का 8,000 है जो विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तनीय होगी तथा परीक्षा शुल्क 2,650 प्रति सेमेस्टर है। प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय साथ प्रवेशार्थी को संपूर्ण शुल्क का भुगतान ₹10,650 प्रवेश परामर्श के समय बैंक चलन के माध्यम से करना होगा। शिक्षण पद्धति है यहाँ पे, BEd विशिष्ट शिक्षा पद्धति में बहुआयाम दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है, अर्थात स्व अध्ययन, मुद्रित सामग्री, श्रव्य दृश्य कार्यक्रम तथा प्रयोगात्मक कार्य के द्वारा अनुदेशन किया जाएगा। BEd विशिष्ट शिक्षा हेतु अनुदेशात्मक पद्धति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, तो ये सभी यहाँ पे सम्मिलित होंगे। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की BEd स्पेशल एजुकेशन के बारे में, और जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, MBA, BEd, ODL, BEd स्पेशल एजुकेशन, MCA और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, 19411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें, और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।